तो फिलहाल अभी सुनील भैया, सुनील भैया से बात करते हैं अपन, दुकान नंबर 123 वाले। जी बोलिए सुनील भैया, क्या कारण है मद्दी रहने का, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? प्याज की क्वालिटी भी हल्की है, ठीक है, और आवक है 4 दिन जो है 1 लाख रही, उसका कारण जो है मद्दी, ठीक है। और बाकी ये जैसे पानी आया था बिक्री में भी फर्क पड़ा, बिक्री में फर्क पड़ा। और ये G20 जो समिट हो रही है उसका भी प्याज का नहीं, जैसे बता रहे बहुत सारे कि दिल्ली के अंदर गाड़ियां नहीं जा पा रही, तो ये वो मंडी एक अलग जगह है और जहाँ सम्मेलन हो रहा है वो अलग जगह है, मंडी के अंदर सम्मेलन नहीं हो रहा है, ये गलत फहमी निकाल दी। अच्छा ठीक है। तो अभी आगे हमारे राजेंद्र भी एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट साहब उनसे भी थोड़ा पूछ लिया जाए। तो हमारे एक साथ एक और सर है, उनसे बात कर रहा था मैं। सर जी नमस्कार, सर जी अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। राजेंद्र पाटीदार, दुकान नंबर 202। ये है राजेंद्र पाटीदार जी, दुकान नंबर 202। सर जी अभी जो 282 गलती जाऊँगा, 282 दुकान नंबर है। अभी ये जो प्याज का रेट एकदम डाउन हो गया, मतलब डाउन बोल देंगे कि क्योंकि जो 22 रुपये तक जा रहा था 20 रुपये के आसपास आया, तो कारण क्या दिख रहा है? प्याजों में सब में सीलन आ गई। अच्छा अच्छा, करीब करीब जो अभी 8 दिन पहले जो क्वालिटी समझ लो कि 70% अच्छी आ रही थी, अब पूरा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, 60% पूरी हल्की आ रही है। अच्छा अच्छा, अच्छी तो हल्के हिसाब में अच्छी भी थोड़ा बहुत डाउन जाएगी। अच्छा, ये अराइवल भी पूरे MP में बढ़ी है। अच्छा अच्छा, तो ये पानी का भी कुछ फर्क पड़ रहा है? बहुत सारे जैसे व्यापारी से बात करी जो लेवाल है, उनका बोलना है कि हमारी जो मान लो 3 गाड़ियाँ जाती थी, तो अब ये पानी सब तरह पूरे हिंदुस्तान में, तो 3 की जगह अब 1 ही जा रही है हमारी, तो उसका भी फर्क पड़ रहा है कहीं? क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, बराबर पड़ेगा। अच्छा अच्छा, गाड़ियाँ स्टेशन पे पहुँच रही है, वहाँ डेली 3 गाड़ी खाली हो रही थी, वहाँ 2 गाड़ी खाली हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, स्पीड भी सीमित हो जाएगी, बाकी ज़्यादा लंबा मतदान नहीं हो जाएगी, बाजार वापस 25 के आसपास आ जाएगी, क्वालिटी वापस अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी। चलिए, हमारे थे सेठ जी, दुकान नंबर 200 भैया। चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ सेठ जी है, दुर्गा प्रसाद तोमर जी, अपने दुकान नंबर कौन से सेठ जी? 298। तो सेठ जी, अभी जो एकदम से ये जो प्याज की जो अभी देखे हम लोग, तो आवक तो कम ही लग रही है, आवक कितनी लग रही होगी आज? लगभग आप 40-45 और ये भाव एकदम डाउन जो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? माल हल्के ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बरसात के कारण, बरसात के कारण 15 सितंबर तक ऐसे ही रहेंगे, हल्के माल जो आते रहेंगे तो बाजार नहीं उठेगा। अच्छा, पानी का भी असर है, गाजीपुर मंडी ये सब दूर गाड़ियाँ नहीं जा रही, पानी के कारण, पानी के कारण। अच्छा, अभी आगे मतलब जैसे मान लो पानी वानी खत्म हो जाएगा, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो एक आध हफ्ते में थोड़ा उछाल आने लग जाएगा, मतलब 15 सितंबर तक आया। तो किसान भाइयों, ये तुम्हारे सेठ जी जिन्होंने आपको कुछ जानकारी दी है, तो थोड़ा आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, बीच बीच में हम लोग इस तरह के वीडियो भी लेके आ रहे हैं, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी भाव जो सेठ लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिले, और उनके हिसाब से कहीं ना कहीं आप सोच पाएँ कि आगे अपने को किस तरह से माल बेचना है। किसान भाई, 1 लोट 15,500 क्या है? आपने लहसुन देखा हुआ है, बहुत बड़ी साइज़ वाला था, और बाकी एक और 15,000 के आसपास कुछ बता रहे हैं। तो लहसुन अगर अच्छी क्वालिटी का है तो डेफिनेटली रेट आपको मिलेगा, लेकिन यही रेट कहीं ना कहीं थोड़े दिन में और ज़्यादा आने वाला है। तो वो लहसुन जो आपने देखा वो 15,500 का था, लेकिन उसकी ये बड़ी कहीं ना कहीं लहसुन थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि लहसुन अगर क्वालिटी रहेगा तो क्वालिटी के हिसाब से आपको दाम भी मिलेंगे, और क्वालिटी अगर नहीं रहेगी तो उस हिसाब से आपको मिलेगा पैसा। बाकी रही सर दूसरी बात ये कि अभी जैसे पानी गिर गया, तो इसका कहने के असर मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, और रेट बढ़ेगा ये पक्की बात है। तो फिलहाल उस साइड की मंडी तो खत्म हो गई, अब इस साइड की मंडी देखते हैं क्या रहने वाला है इधर का भाव। किसान भाइयों, फिलहाल मेरा आपसे बोलना है कि अभी क्या करो, आज 9 तारीख है, कल तो संडे भी है वैसे भी, तो 15 तारीख तक ये मान के चलो इसी तरह का मार्केट अपने को देखने मिलने वाला है। 15 सितंबर से हम बोल सकते हैं कहने की थोड़ा बहुत वापस उसमें उछाल आएगा, बाकी 15 तक तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए 8, 9, 10 और 11 है, 3 दिन तो दिल्ली में समिट है। दूसरी चीज, पानी गिर गया अभी, तो जो व्यापारी लोगों ने जो पहले मान लिया वो अभी कहने की बहुत सारे भेजवानी है, तो वो लोग भी भेजेंगे अभी, तो ये 2-3 फैक्टर कहने के काम हो रहे, इस कारण कहने की प्याज में लेवाली भी कमजोर है और जो रेट है वो रेट भी कहने के कम पड़ गया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अभी प्याज जो है वो आप अगर अच्छा प्याज है, खराब हो रहा है तो आप लेके आओ, कोई मतलब नहीं, लेकिन अच्छा प्याज है उसको थोड़े दिन रोक लो 2-4 दिन और 15 तारीख के आसपास से फिर अपने को कहने की उसमें थोड़ा सा तेजी वाला मामला फिर देखने को अपने को मिलेगा। फिलहाल 15 तारीख तक तो कोई आसान नहीं दिख रहे कि कोई तेजी अपने को देखने को मिलने वाली है। हाँ भैया, जय जवान, ठीक है भैया, जय जवान, ठीक भैया जी। भाई अगर आज देखा जाए तो प्याज 20 रुपये के आसपास ही रहा है, कहीं ना कहीं 18 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से गया है। कारण उसके पीछे सीधा सा है, देखिए मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्या है कि एक तो पानी गिर गया, तो पानी गिर गया जो लेवल लोग हैं, या मैं आपसे बोलूँ जो व्यापारी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि प्याज को यहाँ से भेजने में डर रहे हैं, क्योंकि देखो पानी आया है, गीला हो जाएगा, ये जो 4 गाड़ी लेता था वो आज 1 गाड़ी के लगभग ही बना रहा है। अभी जो प्याज का रेट कम हुआ है उसके पीछे आपको 2-3 कारण क्या लग रहा है? सबसे पहली बात तो
आवक तो आज कम है वैसे तो 40,000 आज भले आवक कम है लेकिन 3 दिन से आवक बढ़ रही है ना। ये पानी का क्या कनेक्शन है मेन तो पानी कनेक्शन आगे गाड़ियों से आनी जानी थी। चलिए भैया ये तुम्हारा सेठ नंबर 100